हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज बात करने वाला हूँ एलजीटी और डीएबीओ केबीओ लीग के बेसबॉल मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम में किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ साथ बात करेंगे डीटी यानी कि ड्रीम टीम के बारे में। उसमें दोस्तों फाइनल टीम्स होंगी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आई हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों बात की जाए कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो सबसे पहले करूँ एलजी ट्विंस के बारे में। तो दोस्तों एलजी ट्विंस ने अभी तक 96 मैच प्ले किए हैं, जहाँ पर 55 में विन और 41 में लॉस का सामना किया। तो पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी टीम है। और मैं वही बात करूँ दूसन बियर्स के बारे में। तो दूसन बियर्स ने अभी तक 97 मैच प्ले किए हैं, जहाँ पर दोस्तों 50 में विन और 47 में लॉस का सामना किया। तो पता चल रहा है कि डीओबी भी काफ़ी अच्छी खासी टीम है। तो कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर लूँ तो इस मैच में दोस्तों अब 4-5 या फिर 4-5-4 ये उन आपके लिए बेस्ट होने वाला है इस मैच के लिए। बाकी दोस्तों आपको टीम के बारे में 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों टीम तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आई हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, अगर दोस्तों आपको प्रोहिट में रहना है तो दोस्तों आपको विजन 11 डाउनलोड करना चाहिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों विजन 11 को डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी कम कॉम्पिटिशन है और दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने वाला है। तो दोस्तों ड्रीम टीम दो उससे पहले मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों मैं इसको ओपन करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी टीम में किस फील्डर, किस इनफील्डर, किस पिचर, किस कैचर, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक देख लेनी है। दोस्तों सबसे पहले बात करूँगा चैंकी के बारे में। तो चैंकी आपके लिए काफ़ी बड़ी और खासी अच्छी खासी ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डाउन चल रहा है लगातार मैचों से, इसलिए मैंने आज के मैच को टीम से ड्रॉप कर दिया है। बाकी स्टैट के ऊपर होता है, एनालिसिस करूँगा, स्टैट निकालूंगा, फिर प्लेयर को देखूंगा और फिर स्टैट निकाल कर आपको टीम दूंगा टेलीग्राम पर। तो दोस्तों टीम के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और दोस्तों फिलहाल हमारी विनिंग है काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। तो दोस्तों बात करूँ कुनवो के बारे में, तो कुनवो दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी, उसे पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि आज के मैच में भी ये डीटी यानी कि ड्रीम टीम में आपको देखने को मिल सकते हैं। और जिनका सेलेक्टेड परसेंटेज हुआ वो भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलने वाला है। तो बिना किसी टेंशन के कुनवो को आप अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। ह्यूनसू के बारे में बात करूँ तो ह्यूनसू भी दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी ऑप्शन है, तो इनका सेलेक्टेड वो काफी अपर क्लास का रहेगा, लेकिन दोस्तों ह्यूनसू को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, आपको इनको अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करना है। तो जी हाँ दोस्तों, वो इस कैप्टन आज के मैच में इनको मैं ट्राई करने वाला हूँ और कैप्टन भी ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि लगातार 2 मैच में इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर गया है। और आज के मैच में भी डीटी ड्रीम टीम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी टेंशन के मैं चाहूँगा किम जाएहोन को अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं बिना किसी टेंशन के। दोस्तों जाएहोन जूनियर के बारे में बात करूँ तो जूनियर का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा खासा था, इनका जो परफॉर्मेंस है मुझे लग नहीं रहा था कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। मैंने दोस्तों स्टैट निकाले थे और स्टैट निकाले मतलब मुझे लगा था कि कुछ 4 या फिर 6 पॉइंट कवर कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने 11 पॉइंट कवर कर डाले। तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी चॉइस है अगर आज प्ले का मौका दिया जाता है। तो सोमिन के बारे में बात करूँ तो सोमिन का दोस्तों परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, 4 पॉइंट कवर कर लिए थे और आज की वजह से इनको प्ले का मौका दिया जाएगा। फिलहाल थोड़े बहुत स्टैट मैंने निकाल दिए, मुझे लगता है कि 8 पॉइंट आज कन्फर्म कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सोमिन को अपनी टीम में आप लेके चल सकते हैं। दोस्तों जी हवान के बारे में बात करूँ तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा था, 8 पॉइंट कलेक्ट कर लिए थे, जो बेसबॉल मैच के अंदर काफ़ी अच्छे खासे मैं तो मानता ही हूँ। और दोस्तों सुख हवान भी आपके लिए काफ़ी अच्छे खासी चॉइस है। दोस्तों आज उनका मेजोरिटी लेवल होगा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है कैप्टनसी का, बाकी दोस्तों वो कैप्टन और वाइस कैप्टन को बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आप इसी का देखेंगे तो ठीक ठाक दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इतने मैच जो डाउन टाउन चल रहे हैं इसके कारण मैं दोस्तों अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं बना सकता हूँ। पिछले दोस्तों मिलेंगे आपके लिए बेस्ट चॉइस है इस मैच के लिए, काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट इन्होंने पिछले मैच में कलेक्ट कर लिए थे और कैचर चॉइस भी आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी है स्योंग होन। दोस्तों काफ़ी बड़ी चॉइस है इस मैच के लिए आपके पास, तो कैचर के लिए आपके पास इससे बड़ी चॉइस हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिछले मैच का परफॉर्मेंस था इनका काफ़ी अच्छा खासा था, 6 पॉइंट ही कवर किए हैं। लेकिन दोस्तों कैचर के लिए आपके पास इस मैच में बिल्कुल भी अच्छी खासी चॉइस नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर कैंग नाम को प्ले का मौका दिया जाएगा तो ही दोस्तों अपनी टीम में हम कन्फर्म रख सकते हैं, क्योंकि उनका पीछे का परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छा खासा है अदर प्लेयर से। तो क्यों नाम को दोस्तों मैं चाहूँगा कि मैं टीम में रख लूँ। तो दोस्तों टीम का प्रयोग करेंगे तो जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन उसको क्या क्या होने वाली है। दोस्तों मीनू आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपका सुख हवान भी ठीक ठाक, तो उसे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। दोस्तों ह्यूनसू को मैंने टीम में वाइस कैप्टन ट्राई किया है, जी हवान को मैंने दोस्तों टीम में कैप्टन ट्राई किया है। दोस्तों कुन वो भी आपके लिए ठीक ठाक, तो उसे एवरेज चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिव के टीम के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इस टीम में थोड़ा क्रेडिट इश्यू है दोस्तों, यानी कि हम अच्छे से प्लेयर नहीं उठा सकते हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ समोली की एक टीम देने वाला हूं। इस मैच आप ग्रैंड लीग को ड्रॉप कर दीजिएगा। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो फाइनल टीम होगी उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ आपको कि इसमें से आपको काफ़ी कम पैसा इन्वेस्ट करके चलना है, क्योंकि दोस्तों इसमें से ये मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट इश्यू है, हम सभी अच्छे अच्छे ब्रेडों को नहीं उठा पाएंगे। और यही कारण है कि मैंने दोस्तों इस मैच में ये नहीं कहा कि मैं ग्रैंड लीग की टीम आपको देने वाला हूँ। इसमें से दोस्तों आपको समोल लीग की सिर्फ एक टीम दूंगा और उसमें भी आपको काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट लेकर चलनी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।